वंदे मातरम साथियों, मैं मनीष गुप्ता अंग्रेजी सीखी अर्थपूर्ण ईडीएम्स के साथ के 203वें अंक की कर रहा हूँ शुरुआत। आज मैं जिन तीन ईडीएम्स की चर्चा करूंगा वो इस प्रकार हैं। नंबर वन, स्काई इज द लिमिट। नंबर टू, स्पीक वंस माइंड। नंबर थ्री, स्पीक आउट। साथियों पहले ईडीएम की चर्चा कर लेते हैं। स्काई इज द लिमिट, स्पेल आउट कर देता हूँ, SKY, स्काई, IS इज, THE द, LIMIT लिमिट। साथियों स्काई इज द लिमिट का अर्थ होता है देयर इज नो अपर लिमिट, कोई भी ऊपरी सीमा नहीं है। जिस प्रकार की आकाश अनंत है उसी प्रकार व्यक्ति की आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, ज्ञान, सफलता, खर्च करने की सीमा इत्यादि की भी कोई सीमा नहीं है। अर्थ यह है कि कुछ भी संभव है। दोस्तों एग्जाम्पल इसको समझाने का प्रयास करूंगा। पहले अंग्रेजी में एग्जाम्पल दूंगा फिर हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। एग्जाम्पल नंबर वन, ही इज वेरी इंटेलिजेंट एंड ही कैन गेट एनीथिंग इन लाइफ, स्काई इज द लिमिट फॉर हिम। वो बहुत अधिक बुद्धिमान है और वो जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। नंबर टू, स्काई इज द लिमिट फॉर द सक्सेस ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी जी। उद्योगपति मुकेश अंबानी जी की सफलता असीमित है। नंबर थ्री, ऑर्डर एनीथिंग यू लाइक ऑन डिनर, स्काई इज द लिमिट टुनाइट। आपको रात के भोजन में जो भी पसंद है वह मंगवाइए, आज की रात खर्च की कोई सीमा नहीं है। नंबर फोर, डोंट गेट डीमोटिवेटेड, जस्ट सेट योर माइंड, स्काई इज द लिमिट फॉर यू। आप निराश नहीं होइए, सिर्फ अपने मन को तैयार कीजिए, आपके लिए कुछ भी प्राप्त करना संभव है। दोस्तों अब दूसरे ईडीएम की चर्चा कर लेते हैं। स्पीक वंस माइंड, स्पीक आउट कर देता हूँ, SPEAK, स्पीक, ONE, वंस, MIND, माइंड। साथियों स्पीक वंस माइंड का अर्थ होता है अपने मन की बात, जो भी हम सोचते हैं उसे साफ साफ स्पष्ट रूप से बोलना। एग्जाम्पल इसके दोस्तों समझाने का प्रयास करूंगा, फिर अंग्रेजी में एग्जाम्पल दूंगा फिर हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। एग्जाम्पल नंबर वन, डोंट हेजिटेट, प्लीज स्पीक योर माइंड, वी वांट टू नो योर ओपिनियन। झिझकिए मत, आप अपने मन की बात स्पष्ट रूप से बोलिए, हम आपके विचारों को जानना चाहते हैं। नंबर टू, प्लीज स्पीक योर माइंड, इट विल रिड्यूस योर टेंशन। आप अपने मन की बात साफ साफ बोलिए, इससे आपका तनाव कम होगा। नंबर थ्री, इफ आई विल स्पीक माई माइंड इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ यू। यदि मैं जो सोचता हूँ उसे साफ साफ स्पष्ट रूप से निर्भयता के साथ बोलूंगा तो आप सभी के लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी। दोस्तों तीसरे ईडीएम की चर्चा कर लेते हैं। स्पीक आउट, स्पीक आउट कर देता हूँ, SPEAK, स्पीक, OUT, आउट। दोस्तों स्पीक आउट या फिर स्पीक अप, SPEAK, स्पीक, UP, स्पीक अप या स्पीक आउट, मुहावरे का अर्थ है किसी विषय पर सार्वजनिक रूप से जनता के बीच अपनी बातें साफ साफ स्पष्ट रूप से मजबूती के साथ बोलना। दोस्तों एग्जाम्पल्स के दोस्तों समझाने का प्रयास करूंगा, पहले अंग्रेजी में एग्जाम्पल दूंगा फिर हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। एग्जाम्पल नंबर वन, ही ऑलवेज स्पीक्स आउट अगेंस्ट करप्शन। वो हमेशा भ्रष्टाचार के विरुद्ध सार्वजनिक रूप से साफ साफ बोलते हैं। नंबर टू, दिस लॉ इज रॉन्ग एंड आई विल स्पीक आउट ऑन इट अंटिल इट इज रिपील्ड। यह कानून गलत है और मैं इस पर जनता के बीच स्पष्ट रूप से मजबूती के साथ तब तक बोलूंगा जब तक कि इसे निरस्त नहीं कर दिया जाता है। नंबर थ्री, वी नीड टू स्पीक अप फॉर वुमेन्स राइट। हम सभी को महिला अधिकारों के लिए सार्वजनिक रूप से जनता के बीच स्पष्ट रूप से बोलने की आवश्यकता है। नंबर फोर, प्लीज स्पीक अप मोर लाउडली, वी आर अनेबल टू हियर यू। कृपया कर थोड़ा और जोर से बोलिए, हम आपको सुनने में असमर्थ हैं। दोस्तों आपको आज का अंक कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा, मैं प्रतीक्षा करूंगा। अंत में यही कहूंगा, अंग्रेजी यानी कोई भी भाषा सीखे सीखनी चाहिए, लेकिन यदि नहीं सीख पाते हैं तो कोई शर्म डर झिझक की बात नहीं है, लेकिन अपनी मातृभाषा
एवं राजभाषा हिंदी सभी को अवश्य सीखनी चाहिए, क्योंकि स्वर्गीय भारतेंदु हरीश चंद्र जी ने अपनी अमर पंक्तियों में कहा है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न है को शूल। दोस्तों अगले अंक की प्रतीक्षा कीजिए, अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंद, भारत माता की जय।